हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएनएल। आज हम देखेंगे एक साइंस का न्यूज है। ओके, एक न्यू एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ है, उसका नाम है फाजुलिसिन। ओके, फाजुलिसिन एक एंटीबायोटिक है। ओके, सो इसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा साइंस का न्यूज है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। चलिए देखते हैं ये फाजुलिसिन है क्या। सो ये जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ओके, ये रूट नोडुल्स लिखा है एक जगह पे। ओके, सो ये जो पेड़ दिख रहे हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो ये जो है न्यू एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ है इन द सॉयल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, ओके, सॉयल से एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया है। ये जो है रिसेंटली आइसोलेटेड डीप इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द मेक्सिको से इसको डिस्कवर किया गया है। ओके, मेक्सिको। सो ये फाउंड हुआ है रूट नोडुल्स, मैंने आपको जो फोटो में दिखाया था, रूट नोडुल्स जो है ऑफ द वाइल्ड बीन्स, वो जो पेड़ था वाइल्ड बीन्स था, ठीक है, उसका जो रूट नोडुल्स है उसमें से ही ये एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया गया है। ये क्या है ना, सिम्बायोटिक सॉयल बैक्टीरियम से दैट फिक्स द नाइट्रोजन फॉर द प्लांट एंड कीप्स द हार्मफुल माइक्रोब्स अवे। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था फोटो में, नूडल्स जो है, ठीक है, नूडल्स है, रूट नूडल्स है, उसमें क्या रहता है ना, एक सिम्बायोटिक सॉयल बैक्टीरियम से रहता है, उस वो क्या होता है ना, फिक्सेस करता नाइट्रोजन के साथ, फॉर देट क्या है ना, जैसे क्या कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स है वहाँ पे नहीं आता है। एंटीबायोटिक जो है फाजुलिसिन है एक क्लास ऑफ पेप्टाइड है, वो प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोड्यूस्ड इन द राइबोसोम होता है, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द डाइवर्स क्लास ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स विथ ए वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल यूजेस है। बेनिफिट क्या है, ये जो एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ है न्यू, ये बेनिफिट क्या रहेगा, ये एंटीबायोटिक जो है ये अटैक है डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ऑथर्स फाउंड इट कुड बी ऑल्सो द एंटर द बैक्टीरिया एंड बाइंड टू द राइबोसोम। ओके, मैसिंग विथ द एबिलिटी टू द सिंथेसिस प्रोटीन्स, ओनली द सेकेंड पेप्टाइड नॉन टू डॉट दिस। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।